नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। आज बहुत से बहुत बड़ी खबर है। मिथिला की जो बची हुई जमीन है वो दरभंगा एम्स को दे दी गई है। हमारे साथ हैं दरभंगा एम्स के डायरेक्टर साहब। सर, दरभंगा एम्स की जमीन जो दे देगी मिथिला वासियों को कितनी खुशी है? मिथिलावासियों के लिए कितनी बड़ी खुशी है सर? तो आप बताएंगे ना, मिथिलावासी तो जरूर खुशी होंगे, क्योंकि मिथिलावासी के लिए बहुत वरदान तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे बोले थे, एंड आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंडल पांडे जी बोले ना, जैसे दरभंगा स्वास्थ्य का दूसरा केंद्र बिंदु है बिहार का। तो आज हमको पूरा 87.44 एकड़ जमीन पूरा दे दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र में। उसको अभी IIT के जो कमेटी है उनको देखेंगे, उनके हिसाब से उनका डिजाइन होगा और बहुत जल्दी इसलिए काम शुरू होने वाला है। सर, क्या लक्ष्य रखा गया है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा काम? कब तक कंप्लीट तो नहीं, एक बार एजेंसी को मिल जाते और IIT कमेटी जैसे हरी झंडा दिखा देते, इसके बाद अभी टाइम लाइन के हिसाब से बनता है एम्स। आप सब देखेंगे दूसरे एम्स जैसे 3 साल तक दिया जाता है, मैक्सिमम और 6 महीने ज़्यादा होता है, 3 साल के अंदर सारे, क्योंकि एम्स एक छोटा सा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसके नेशनल इंपोर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, टाइम लगता है, बहुत बड़े बड़े बनते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, 45-45 डिपार्टमेंट बनेगा, सबके लिए अलग से स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बड़ा अनुष्ठान है, तो टाइम तो लगता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये कितनी जमीन आज जो दी गई है बिहार सरकार के द्वारा? आज जो बाकी है कि 37.43 एकड़। तो पहले जो पहले था ये 150 एकड़ दिया था, अभी जो हमारा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी बोले थे कि और भी हम 37.3 एकड़ जमीन देना है, आज ही वो पूरा कर रहे हैं। आज पूरा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को तरफ से मैं इसको लेके 37 एकड़ जमीन रिसीव करके पूरा कंप्लीट 187 मीन्स 87.44 एकड़ जमीन पूरा लिया है। आप मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को और खास करके मिथिलांचल की जनता को यह सूचना देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जो दूसरे एम्स निर्माण की स्वीकृति 2020 में दी थी, उस एम्स के निर्माण हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा का स्थान तय किया था। चूंकि दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की दृष्टि से PMCH के बाद दूसरा बड़ा स्थान है और उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु भी है, और नेपाल जो हमारा बगल का राष्ट्र है उससे सटा हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य को जो दूसरे एम्स के बनाने की स्वीकृति 2020 में दी थी, उसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, दरभंगा में बनाने का स्थान तय किया, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पे एम्स का निर्माण होना है शोभन बाईपास पे, और वह शोभन बाईपास जो है वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के मौजा बलिया में है, वहां पे आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है, और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दरभंगा एम्स के डॉक्टर माधवानंद कर जी जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आज इनको शेष 37.31 एकड़
जो जमीन देनी शेष रह गई थी वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में देखरेख में वहां निर्माण भी होगा। और अब आज पूरी तरीके से 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा, आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है। और अभी हमारे और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की उपस्थिति में वह भूमि हस्तांतरण का जो दस्तावेज है उसके दस्तावेज के हस्तांतरण का काम विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति में पूर्ण किया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये उपहार दिया वह अतुल्य है, चूंकि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है देश में जिसके पास दो एम्स होंगे, और दो एम्स किसी भी राज्य को देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के प्रति कितना विशेष लगाव है और बिहार के लिए उनके दिल में कितना बड़ा स्थान है और बिहार के लिए लोगों के लिए सेवा का कितना बड़ा भाव उनके मन में है। और डबल इंजन की सरकार क्या होती है वह इसी से दिखता है। आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है उसका प्रत्यक्ष लाभ आज बिहार की जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, डबल इंजन में डबल विकास हो रहा है, सेवा को लगातार बेहतर कर रहे हैं। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे, वो स्वयं उस शोभन बाईपास के जमीन पर गए थे जहां पे एम्स का निर्माण होना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस एम्स के जमीन को जो हम सब लोग हस्तांतरित कर रहे हैं उसको देखा, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बात की घोषणा भी दरभंगा में की थी कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस अस्पताल का नींव रखा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होंगे। और आज उस कार्य की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, और अब पूरी जमीन जो हमें देनी थी आज पूरा जमीन दे दिया गया। एक और जानकारी उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब एम्स की स्वीकृति हुई थी उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 1264 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन जब वहां पे निर्माण का कार्य अब शुरू होने वाला है और जो तकनीकी समिति है, टेक्निकल कमिटी है, जिसने जमीन को देखा, मुआयना किया, और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उस भूमि पे जो निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना है उसके लिए आईआईटी दिल्ली को अधिकृत किया है, और आईआईटी दिल्ली उसका पूरा डिजाइन तैयार कर रही है। और जो डिजाइन तैयार कर रही है उसमें यह अनुमान है कि उस वक्त 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अब जब नए ढंग से डिजाइन बन रहा है तो निश्चित रूप से यह राशि और 400 से 500 करोड़ रुपए के करीब और बढ़ेगी। मतलब जो दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा वो लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के आसपास होगा, कुछ घट बढ़ सकता है। इस प्रकार से जो मिथिलांचल के लोगों की आकांक्षा थी, और न केवल मिथिलांचल
संपूर्ण उत्तर बिहार हम कहें और सटे हुए राष्ट्र नेपाल के लोग भी हमारे यहाँ बहुत सहजता से इलाज कराने अभी भी दरभंगा मुजफ्फरपुर आते हैं। वहाँ के लोगों को भी एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा और जो उत्तर बिहार के लोगों को किसी सुपर स्पेशलिटी के लिए विशेष प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था के लिए बाहर जाना पड़ता था वह अब दरभंगा में पूर्ण होगा और उस काम की तरफ हम आज एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और मुझे आज प्रसन्नता है कि जो वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मधवानंद कर जी, आज हम सब लोग उनको शेष बचे हुए 37.31 एकड़ जमीन का कागज उनको सुपुर्द कर रहे हैं। दरभंगा एम्स के डायरेक्टर जो कि बता रहे थे कि पूरा जो एम्स का जमीन है वो बिहार सरकार ने उन्हें दे दिया है और जल्द ही भारत में बिहार को दूसरा एम्स मिलने वाला है। हमारे सहयोगी समर कुमार डे के साथ बिहार मिथिला न्यूज़ पटना।